किसान आंदोलन के बीच किसान संगठन शर्तों के साथ बातचीत के लिए तैयार। 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे बैठक की गई बात। बैठक में किसानों ने चार मुद्दों पर चर्चा की रखी शर्त। तीनों कृषि कानून रद्द करने की पूछी प्रक्रिया। एमएसपी को लेकर भी किसानों ने किया सवाल। गारंटी कानून के प्रावधान पर पूछा सवाल। बिजली और पराली के कानून पर भी बातचीत की रखी शर्त। आने को तैयार हैं, लेकिन आप जो हमने एजेंडा दिया है इस पर बात करने की तैयारी करें। और 29 तारीख सरकार के प्रस्ताव पर 40 संगठनों ने की बैठक। बैठक के बाद प्रस्ताव पर लिखी सरकार को शर्तों की चिट्ठी। कृषि कानून को लेकर एनडीए को झटका। आरएलपी ने छोड़ा एनडीए के साथ। किसान आंदोलन में शामिल हुए आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल। एनडीए छोड़ने का क्या ऐलान। पहले लोकसभा की कमेटियों से इस्तीफा दे दिया, अब एनडीए छोड़ दी। और किसान कौम को अगर आवश्यकता पड़ेगी तो लोकसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे दूंगा, ये मैंने वचन दे दिया। किसानों के आंदोलन का आज 32वां दिन। दिल्ली के चारों बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं किसान। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी का ट्वीट। मिट्टी का कणकण गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का जुटना जारी। पोस्टर बैनर के साथ कर रहे हैं प्रदर्शन। किसानों के प्रदर्शन में छोटे बच्चे भी हुए शामिल। दूर दूर से आ रहे हैं किसानों के परिवार। टिगरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध जारी। दिव्यांग भी आंदोलन में हुए शामिल। पंजाब के बरनाला से दिल्ली के लिए निकले 40,000 किसान ट्रैक्टर ट्रक और ट्रॉलियों में हैं सवार। कृषि कानूनों के खिलाफ तरनतारन के किसानों का अनोखा विरोध। गले में चेन बांधकर कर रहे हैं खेती। सिंघू बॉर्डर पर सफाई में जुटे दो सिख भाई। छुट्टी के दिन किसान आंदोलन के लिए करते हैं सेवा। किसानों ने लगाया हरियाणा बॉर्डर पर शाहजहांपुर में जाम। पुलिस ने किसानों को रास्ते में रोका। बाराबंकी में धान की तौल कराने के लिए हफ्तों से बैठे किसान भड़ गए। किसान मेले के नाम पर बुलाए जाने से नाराज। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से भोपाल रवाना हुई दांडी यात्रा। 28 दिसंबर को पहुंचेगी विधानसभा तक। सोयाबीन की फसल बर्बाद होने पर सिर्फ एक तहसील को मिली राहत राशि। बाकी 8 तहसील के किसान कर रहे हैं इंतजार। पंजाब के मुक्तसर में किसान ने किया आत्महत्या। बैंक लोन से था परेशान। घर में पत्नी और 13 साल का बच्चा। यूपी के ललितपुर में कांग्रेस ने निकाली गाय बचाओ पदयात्रा। अजय सिंह लल्लू समेत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। बुंदेलखंड में गायों की मौतों को लेकर दिया धरना। समस्तीपुर में गड़बड़ी को लेकर सड़क पर उतरे लोग। NH 28 किया जाम। आदिलाबाद में MIM नेता ने की फायरिंग। गंभीर शख्स की इलाज के दौरान मौत। मध्य प्रदेश में लागू होंगे तीनों नए कृषि कानून। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मध्य प्रदेश के किसान नरेंद्र मोदी के साथ। और जहां तक किसान कानूनों का सवाल है, मध्य प्रदेश में कोई भ्रम नहीं है, मध्य प्रदेश के किसान प्रधानमंत्री जी के साथ है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक को मिली कैबिनेट की मंजूरी। अब विधानसभा में लाया जाएगा विधेयक। नए कानून में कुल 19 प्रावधान। धर्म छिपाकर धन और संपत्ति के लिए शादी को माना जाएगा अवैध। नाबालिग अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों को बहला फुसलाकर शादी करने पर 2 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत योजना। 5 लाख तक का बीमा कवर। पीएम मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को मिलेगी सुविधा। आज जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बांटे हेल्थ ई कार्ड। 26 महीने बाद लागू हुई स्कीम। अमित शाह ने कहा 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में शांति का दौर लौटा और जो अब तक जारी है। 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे के पहले दिन असम पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। कई योजनाओं का किया शिलान्यास। गृहमंत्री ने असम के 8,000 नामघर वैष्णव संतों को वित्तीय सहायता प्रदान की। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के जन्मस्थान के सौंदर्यीकरण की योजना के बारे में बताया। कोलकाता में पहली बार बीजेपी दफ्तर आए शुभेंदु अधिकारी। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर को घेरा। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नारे लगाए। आमने सामने आए टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ता। पुलिस ने संभाला मामला। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में मचा घमासान। कांग्रेस की शिवसेना को चेतावनी। कहा यूपीए के नेतृत्व पर न खड़े करें सवाल। राउत ने दी शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने की सलाह। शरद पवार कर चुके हैं पहले इनकार। गुजरात में एंट्री के दिन ओवैसी की पार्टी ने संकेत बीजेपी के साथ लड़ सकती है चुनाव। बीजेपी छोड़ एनसीपी में शामिल हुए एकनाथ खड़से को ईडी का नोटिस। पुणे की एक जमीन डील के मामले में भेज दिया नोटिस। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। 103 नई नगर पंचायत और 8 नए नगर परिषद के प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
सहरसा में कृषि कानूनों के खिलाफ महागठबंधन का प्रदर्शन। शिवहर सिंघेश्वर बेलसंड के विधायकों समेत आरजेडी के पूर्व सांसद लवनी आनंद ने लिया हिस्सा। आसनसोल में टीएमसी नेता के घर में लगी आग, दमकल की दो गाड़ियों ने मुश्किल से आग बुझाई। सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए खुला पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोरोना के कारण बंदिशें जारी। मेरठ में ब्रिटेन से आया कोरोना परिवार पॉजिटिव पाया गया, पति पत्नी और उनके बच्चों का हुआ था टेस्ट। परिवार के संपर्क में आने वाले 6 लोग कोरोना पॉजिटिव, नए स्ट्रेन की जांच के लिए भेजे गए सभी के सैंपल। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 758 नए मामले, एक दिन में 30 लोगों की मौत, सिर्फ 7000 के करीब इस समय एक्टिव मामले। हमारे देश में 24 घंटे में कोरोना के 22000 से ज्यादा मामले, 1,01,69,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। हमारे देश में 24 घंटे में कोरोना के से 251 लोगों की मौत, अब तक 1,47,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। मुंबई के धारावी से आई अच्छी खबर, अप्रैल के बाद पहली बार अब तक नहीं आया कोरोना का कोई भी केस। महाराष्ट्र में पिछले 3,500 नए मरीज, 19,09,000 के पार आंकड़ा। पुणे के पुरंदर में कोरोना का कहर, 25 टीचर्स की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अमृतसर में मेयर और पार्षद ने भरा 10,000 रुपए का जुर्माना, मास्क नहीं पहनने पर हुई कार्रवाई। कृषि कानून के खिलाफ धरने पर थे मेयर और कांग्रेसी पार्षद, कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया। पिछले एक महीने में ब्रिटेन से 37 लोग लौटे अजमेर, सबका कराया जा रहा है कोरोना टेस्ट। नोएडा में कोरोना वैक्सीन के लिए तैयारियां पूरी, 7.5 लाख वैक्सीन स्टोर करने की है यहां पर क्षमता। पश्चिम बंगाल के नैहाटी में बिजनेसमैन को बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। नोएडा के एलिवेटेड रोड से कूदकर महिला ने की आत्महत्या का प्रयास, गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षाकर्मियों को बड़ी सफलता, कई मामलों में वांछित 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। चाकू की नोक पर यूपी के हमीरपुर से अगवा नाबालिग, महाराष्ट्र के सोलापुर से बरामद, अगवा करके रेप करने वाला भी गिरफ्तार। बिजनौर में तेज रफ्तार बस और पेड़ से टकराई, एक दर्जन यात्री हुए घायल। जम्मू कश्मीर के शोपिया में मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकवादी, 2 जवान हमारे घायल हुए। जम्मू के बिलावर तहसील में गिरी दीवार, सेना के 2 कर्मचारियों की मौत। जैसलमेर के में अभ्यास के दौरान जवान की उंगली कटी, इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके लाया गया जोधपुर। बिहार के सहरसा में राइस मिल पर डीएम कौशल कुमार का औचक निरीक्षण, राइस मिल पर मौजूद किसानों से सरकारी दर पर धान बेचने की अपील की। झारखंड के गुमला में हथियार के साथ 5 नक्सली गिरफ्तार, 4 भागने में सफल रहे। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद हुए। दिल्ली में मास्क बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 6 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची। यूपी की चंदौली में ब्रिटेन से आए 7 लोगों का कोरोना टेस्ट, जांच में 4 लोग मिले नेगेटिव, 3 की रिपोर्ट आनी बाकी। एडिशनल सीएमओ ने कहा बहुत ही सावधान रहने की हमें जरूरत। मध्य प्रदेश के बालाघाट में ट्रक पलटने से 4 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा हो गए घायल। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, खाली कराई गई सरकारी जमीन। प्रतापगढ़ में कोतवाल के दबंगई का वीडियो वायरल, फरियादी युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पटना के फलवारी शरीफ में टीचर के अपहरण में नया मोड़, महिला शिक्षक ने वीडियो जारी करके कहा आरोपी के साथ मैं अपनी मर्जी से आई हूं। सहरसा में जिला अभिलेखागार कार्यालय में सदर एसडीओ ने अचानक मारा छापा, पुराने दस्तावेज की नकल उतार रहे 2 दलाल गिरफ्तार। दरभंगा में मामूली विवाद पर भिड़ गए पड़ोसी, सड़क पर हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पश्चिमी मिदनापुर में दलकटी गांव में घुसा हाथी कई घरों को नुकसान पहुंचाया। राजस्थान के पाली में नहर में नहाने के दौरान हादसा, 2 सगे भाइयों की डूबने से मौत, 4 को बचा लिया गया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में महिला को जिंदा जलाने की कोशिश, संपत्ति विवाद में ये कोशिश की गई। पति की दूसरी शादी के बाद घर में अकेली रहा करती थी महिला, पड़ोसियों के खिलाफ आरोप है, 3 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में महिला बाल विकास अधिकारी ने रुकवाया बाल विवाह, गांव वालों ने दी थी उन्हें खबर। केरल के पलक्कड़ में 27 साल के अनीश की हत्या, प्रेम विवाह से नाराज लड़की के परिवार वालों पर है मार डालने का आरोप। राजस्थान के 12 में राजकीय अस्पताल का हाल बयाल, प्रसूति वार्ड में कुत्तों का आतंक। बुलंदशहर में दलित युवती से गर्मगी, परिवार वालों ने आरोपी युवक को पकड़ा, आरोपी के साथ साथियों ने उसे मौके से भगाया, पुलिस ने दर्ज किया केस। पटना सिटी में संपत्ति विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच गोलीबारी, 1 दुकानदार को लगी गोली। मध्य प्रदेश के दमोह में मंदिर के महंत को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश, दुकान के किराए को लेकर हुआ विवाद। उज्जैन में रैली निकालने के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ पथराव। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू हुई देश की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी, मध्य प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने किया उद्घाटन। बांधवगढ़ के बाद पेच कान्हा पन्ना टाइगर रिजर्व में भी हॉट एयर बलून सफारी शुरू करने का प्लान, पर्यटन उद्योग को इससे मिलेगा फायदा। पिथौरागढ़ में 2 घंटे के लिए खोला गया भारत नेपाल को जोड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुल, सैकड़ों लोगों ने की आवाजाही।
धारचूला की बुजुर्ग महिला प्रेमा होठियाल के निधन की वजह से खोल दिया गया झूला। स्वास्थ्य विभाग ने आने वालों की स्क्रीनिंग की। मुजफ्फरपुर में आरोप पत्र दाखिल होने में देरी से आरोपी को फायदा। 32 कांड के आरोपी की जेल से हुई रिहाई। पंजाब के फजलका में सुबह सुबह धुंध की चादर, ट्रैफिक की रफ्तार पड़ी सुस्त। माउंट आबू में सर्दी के तेवर बरकरार, न्यूनतम तापमान 2 डिग्री से नीचे गिरा। हिमाचल के सोलन में शून्य के नीचे पहुंच गया तापमान, गाड़ियों के शीशों पर जम रही है ओस। शिमला में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के नीचे, पूरा राज्य जबरदस्त शीतलहरी की चपेट में। कुल्लू मनाली में ठंड का कहर जारी, ऊपरी इलाकों में ठंड से नदी नालों का जमना हुआ शुरू।